हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हबीब फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, आज जो आपको मैं खाना दिखा रहा हूँ ये डम्पलिंग है, जो कि ग्रेवी के साथ है। और देखिए कितना अच्छा बेहतरीन है डम्पलिंग ये हमारा। और ये मटन कीमा की डम्पलिंग है दोस्तों, और ये बहुत ही टेस्टी है, और जो कि रसिया में बहुत ही फेमस है ये ग्रेवी वाली। कुछ लोग इसे सूप वाली डम्पलिंग भी बोलते हैं। तो आइए, इसे बनाना बहुत ईजी है और आज हम बनाते हैं। तो दोस्तों आइए हम मिलके इसे बनाते हैं डम्पलिंग को। तो दोस्तों, क्लीमेन के लिए या फिर आप बोल लीजिए कि मिनी मोमोस, मोमोस के लिए हम सबसे पहले तो 250 ग्राम, मैंने यहाँ पानी लिया है, 250 ml बोल सकते हैं। और हमारे पास यहाँ 50 ml कुकिंग ऑयल है, इसे भी डाल देते हैं। और हम इसमें 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। तो नमक स्वाद अनुसार रहेगा दोस्तों, ये मैं 2 टेबल स्पून नमक डाल दिया। फिर उसके बाद हमारे पास 2 अंडे हैं, तो इन 2 अंडों को भी अभी ही डाल देता हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमारे पास यहाँ 700 ग्राम मैदा है। तो आइए पहले तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैदा डालकर डो रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हमने यहाँ डो को लगा लिया है, और लगा कर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो आइए हम अब हमारा जो मोमोज है, तो आज हम मटन के कीमा से बनाऊंगा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ कीमा है, जो कि हमारा 300 ग्राम से अबव है कीमा, और ये मटन का है। और चलिए अभी इसमें मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है और हल्की सी बॉयल भी कर लिया है। तो इसमें मैंने बॉयल जो किया है वो 60% से कम ही किया हूँ, ताकि देखिए कुछ बॉयलिंग भी है, कुछ कच्चे भी दिख रहे हैं। तो आइए अब हम इसमें प्याज और लहसुन को काट के मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने 2 मीडियम साइज का प्याज को पतले पतले काट लिया है स्क्वायर शेप में, और इसे हमने इसमें मिक्स कर लिया है। तो आइए दोस्तों अब हम इसमें हल्की सी जीरा, तो मैंने हल्का सा जीरा, ये देखिए मैंने हल्का सा जीरा इसमें, और स्वाद अनुसार नमक, और हल्की सी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, और इसमें 1 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर डालना है इसमें, और 1 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो आइए हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने इस तरह से तो जो मोमोज के लिए हमने कीमा रेडी कर लिया है, नमक, काली मिर्च पाउडर और जीरा डालकर, और हल्की सी कुकिंग ऑयल। अब हमारा जो ये डो है उसे हम बेल लेते हैं रुमाली रोटी की तरह, जैसा हम मोमोज को बेलते हैं वैसा बेल लेते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, हमने इस तरह से इसे बेल लिया है पतली रुमाली रोटी की तरह। तो आइए अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे फॉर्म में। तो दोस्तों ये देखिए, हमने इस तरह से अब काट लेने हैं इसे, डिवाइड मैंने इतना ही चौड़ा करना है हमें काट कर। तो या तो आप इस फॉर्म में काट लीजिए, मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है ताकि मैं छोटे छोटे इस इतने इतने चौड़े चौड़े काट लूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, हमने इस तरह से काट लिया है, और इसे फिर काटने के बाद इस तरह से इसे हम हर एक को फैला लेंगे। तो इसे मैं ओपन करके, जिसे मैंने इसे काटा इसे फिर मैं ओपन करता हूँ, और इसके ऊपर मैं इस तरह से फैला लूँगा और रख लूँगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक दूसरे के ऊपर परत चढ़ा दिया है। अब हम इसे हम मोमोज का छोटा रूप बनाएंगे, तो सबसे पहले हम छोटा छोटा ही काट लेंगे, पहले ये पार्ट्स को हटा लेते हैं काट के, फिर उसके बाद हम इतना छोटा बनाएंगे। और ये देखिए, हम इस तरह से इसे अब छोटे छोटे डिवाइड कर लेंगे। तो आइए इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब हम इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो एक टुकड़ा लेंगे, टुकड़ा लेने के बाद दोस्तों हम इसमें हल्की सी ही, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हल्का सा बस 1-2 प्याज के टुकड़े आ जाए, और जो हमारा कीमा है उसको, और ये देखिए ये लेंथ हम सटा देंगे इस तरह से। तो हल्की सी ये टाइम लगती है क्योंकि छोटा है, और ये देखिए हम इसे इस तरह से साट लेंगे सभी तरह से दबाते हुए। फिर उसके बाद देखिए, इससे हम इस उंगली को इधर लाते हुए इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए, और इसे हल्की सी प्रेस करेंगे ताकि
हमारा ये जो गैपिंग के साथ जुड़ जाए, ये देखिए गैपिंग के साथ जुड़ जाए, ताकि हमारा इस बीच में जो गैपिंग है उसके अंदर पानी भी चला जाए। या तो देखिए ये इस तरह से हमने बना रखा है, इस तरह से हम सारे को बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस तरह से डंपलिंग, आप इसे डंपलिंग भी बोल सकते हैं, तो हमने डंपलिंग को इस तरह से बना लिया है और कुछ छोटे छोटे बच गए हैं तो इसे मैंने साइड में काट लिया है। तो आइए अब हम, मैंने यहाँ एक मीडियम साइज का प्याज काट लिया है और एक आलू और एक गाजर काट कर मैंने इस तरह से पानी में रख लिया था। तो आइए कढ़ाई लेते हैं दोस्तों, और कढ़ाई में मैं जो हमारा प्याज और आलू गाजर है उसे हम पहले तो गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अब इसे हम गर्म होने देते हैं तेल को। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम हमारा जो प्याज है उसे डाल के गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने की कगार में है हमारा प्याज, तो हम इसमें हल्की सी टमाटर का केचप डाल देते हैं। ये हम 1 टेबल स्पून के आसपास डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और फिर उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं। कुछ देर के बाद हम, 1 मिनट के बाद हमारा जो गाजर और आलू है इन दोनों को हम डाल देंगे, और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे आलू और गाजर को। तो दोस्तों ये डंपलिंग बहुत इजी वे में बनेगा, या आप इसे छोटा मोमोज बोल लीजिए मिनी, या फिर आप मांटी बोल लीजिए छोटा सा, या फिर रशियन में इसे पिलमेन बोल लीजिए, बात ऐसी है। तो आइए अब हम इसमें आलू को और गाजर को भी डाल देते हैं और मिलते हैं दोस्तों 4 से 5 मिनट बाद, जब हमारा आलू गाजर हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब। तो दोस्तों 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, और पानी हमारा अप्रोक्स 1/2 लीटर के आसपास होगा। तो आइए हम इसमें पानी डाल देते हैं सबसे पहले तो, और पानी जब हमारी उबाल आ जाएगी तो जो हमारा डंपलिंग है उसे हम इसमें डाल देंगे। तो आइए हम पानी का उबाल वेट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसे इंतज़ार करते हैं उबाल आने का, तो जब हमारा इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें अपना जो मोमोज है उसे डाल देंगे और हम 20 मिनट उबालेंगे दोस्तों। तो आप इस जो पानी है, इस पानी में काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं और नमक स्वाद अनुसार। तो मैं भी इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालूँगा और स्वाद अनुसार नमक डालकर हम इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पानी में उबाल आ चुका है, तो आइए हम इसमें जो हमारा डंपलिंग है मोमोज ओरमो उसे हम इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों हमें जो मोमोज डालने से पहले जो हमारा ये हल्की सी टुकड़ा बच गया था उसे भी हम डाल लेंगे, जो कि वेस्ट ना हो और ये ग्रेवी के साथ अच्छी ही बन जाती है, क्योंकि जो हमारा डंपलिंग है वो ग्रेवी वाला है। तो आइए अब हम इसे हम डाल देते हैं, इस तरह से सारे मोमोज को हम बनाएंगे, और ये कम से कम दोस्तों हम 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसे चला लिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे हमने गैस को रखा है और इसे हम हाफ ढकेंगे 20 से 25 मिनट तक। तो दोस्तों मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। तो दोस्तों 1/2 घंटा हो चुके हैं और ये हमारा डंपलिंग रेडी है, तो हम इसे अब गैस को बंद कर देते हैं और हम अब इसे निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए हमारा डंपलिंग मैंने निकाल लिया है और इसके ऊपर मैंने दही डाल दिया है और हल्की सी धनिया पत्ती। तो ये जो डंपलिंग है दोस्तों ये ग्रेवी के साथ वाली है, और ये देखिए हमारा इसमें अपना ही इसका अपना मज़ा है डंपलिंग का, और ये मोमोज जो सूप के साथ है ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और आप इसे ज़रूर बनाइए, बना के मुझे कमेंट बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं बोलता हूँ आप इसे ज़रूर बनाइए और
कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।